इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी, चुनाव मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़ तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने दिया, कांग्रेस की नैया डूब रही है। और ये नेता कितने, ये तो कांग्रेस की संस्कृति है, उनका तो बयान भी आ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा वहां से, जिसका अपना भविष्य ना बना और दूसरों के भविष्य बनाने की बात करता है तो ये हास्यास्पद है। अरे बदल रही है और कांग्रेस जो है सरकार बदलने का मिशन चला रही है। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़ तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने कुमारी शैलजा और अजीत सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, चुनाव आप। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने क्या। सबसे पहले श्री नेत ने चंद्रा रानो को लेकर टिप्पणी की है, उसको लेकर सुप्रिया श्री नेत ने कंगना रनौत पर जो भद्दी टिप्पणी की है वो कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक दी इनसाइडर के पेज नंबर 767 पर भी इसी प्रकार का जिक्र किया। तो ये नई बात नहीं है, कांग्रेस की तो महिलाओं के प्रति सोच ही है। वरुण गांधी का टिकट कटा है, उसको लेकर अधीर रंजन ने कहा है कि ये गांधी परिवार से इसलिए उनका टिकट कटा है। नहीं, पर वरुण गांधी तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे, उनका तो बयान भी आ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा वहां से, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है। कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री ने कहा है कि जो मोदी मोदी का नारा लगाते हैं उनके थप्पड़ मारो। जन आदमी बिल्कुल बदहवास हो जाता है, हौसला खो जाता है, डूबने लगता है, तब वो इसी प्रकार की बात करता है। और इनको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को भविष्य बनाना चाहती है और भाजपा उनको भटका रही है। जिसका अपना भविष्य ना बना और दूसरों के भविष्य बनाने की बात करता है तो ये हास्यास्पद लगता है। पहले वो अपना भविष्य तो देख ले क्या है। बदल रही है और कांग्रेस जो है सरकार बदलने का मिशन चला रही है। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़ तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने कुमारी शैलजा और अजीत सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, चुनाव आप। इससे मालूम होता है
कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने में है। सबसे पहले श्री नेत ने चंद्रा रावत कलकर टिप्पणी की है, उसको लेकर कांग्रेस सुप्रिया श्री नेत ने कंगना रावत पर जो भद्दी टिप्पणी की है वो कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक दी इनसाइडर के पेज नंबर 767 पर भी इसी प्रकार का जिक्र किया था। तो ये नई बात नहीं है, कांग्रेस की तो महिलाओं के प्रति सोच ही है। वरुण गांधी का टिकट कटा है, उसको लेकर अधीर रंजन ने कहा है कि ये गांधी परिवार से इसलिए उनका टिकट कटा है। नहीं, पर वरुण गांधी तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, उनका तो बयान भी आ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा वहां से, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है। कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री ने कहा कि जो मोदी का नारा लगाते हैं उनके थप्पड़ मारो। जन आदमी बिल्कुल बदहवास हो जाता है, हौसला खो जाता है, डूबने लगता है, तब वो इसी प्रकार की बात करता है। पर इनको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को भविष्य बनाना चाहती है और भाजपा उनको भटका रही है। जिसका अपना भविष्य ना बना और दूसरों के भविष्य बनाने की बात करता है तो ये हास्यास्पद लगता है। पहले वो अपना भविष्य तो देख ले क्या है।